अगरतला पुलिस ने रेस्टोरेंट के बाहर शूटआउट मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रभाकर घोष और संतोष दास के तौर पर की गई है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। आज तड़के चलाए गए अभियान में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल दो वाहनों को भी सीज किया है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने एयरपोर्ट रोड पर स्थित रेस्टोरेंट से स्थानीय युवकों के बाहर निकलने के बाद उन पर छोटे हथियार से फायरिंग की थी। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। तो अगरतला पुलिस ने रेस्टोरेंट के बाहर शूटआउट मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान प्रभाकर घोष और संतोष दास के तौर पर हुई है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। बताते चले आज तड़के चलाए गए अभियान में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल दो वाहनों को भी सीज किया। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने एयरपोर्ट रोड पर स्थित इस रेस्टोरेंट से स्थानीय युवकों के बाहर निकलने के बाद उन पर छोटे हथियार से फायरिंग की थी। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। अभी भी मेरा पास जो डाटा है, मैं आप लोगों को बुला के एक दिन पूरा त्रिपुरा में जो लॉ एंड ऑर्डर वो डाटा आपको हम देंगे, तो उस वक्त आपको समझ में आएगा और पब्लिक जानेगा कितना बेहतर, मतलब बेटर है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए, एक दो घटना तो घटी है, तो ये तो पुलिस, लेकिन मैंने बोल दिया है जहाँ भी कोई भी इस तरह कोई घटना हो, कड़ी से उसका तदंत करे और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह चलना चाहिए, कानून का राज है, वैसा वो एस्टेब्लिश करना है। उसमें कोई जीरो टॉलरेंस है हम लोगों के पास। हुआ है, पहले भी हुआ था, उसका पहले भी और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हुआ था, तो उसका कंपैरिजन भी आपके सामने हम रखेंगे, कुछ ही दिनों में आप समझ में आएगा। और मैं पुलिस को निर्देश दिया, किसी भी जगह पर कुछ, मतलब हम लोगों के तरफ से जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास के साथ। पिनाकी, क्या है पूरा मामला? दो संदिग्ध अरेस्ट हुए हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अब तक? देखिए, ये घटना कल रात को हुआ था और इसमें दो पर्सन इंजर्ड हुए थे और इनको एयरपोर्ट रोड के एक सोनारतरी ढाबा है, नूतन नगर एरिया जो एयरपोर्ट के करीब है, तो वहाँ पे रात को इनके ऊपर ये लोग जो ढाबा से खा के निकले थे, वहाँ बाहर 6-7 वो लोग थे वहाँ पे, तब अचानक इनके ऊपर दो गाड़ी में आके इनके ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें दो आदमी इंजर्ड हुए और इनको लोकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहाँ पे इनका सर्जरी हुआ है, और इनको दोनों को ही गोली लगा था। और पुलिस को इस केस में लोकल जो थे, धावा का जो मैनेजर थे, उनका लोकल से जो खबर मिला और सीसीटीवी फुटेज के देख के इन्होंने, पुलिस बहुत ही तेज़ी से इसमें काम किया और दो जो इसमें सस्पेक्टेड है उनको अरेस्ट किया गया, प्रभाकर घोष और संतोष दास। प्रभाकर घोष वहाँ के एरिया के एक बड़ा क्लब, बहुत ही फेमस क्लब का वहाँ का सेक्रेटरी है। और ये जो पुलिस का जो सस्पेक्ट है कि ये ठेकेदारी का निगोसिएशन जो होता है, जो एक गेहूँ दो ग्रुप्स होते हैं जिनमें ले काम का कौन करेगा, इसके ऊपर जो कैप्चरिंग है और अपना एस्टैब्लिश करने के लिए कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसको लेके ये फाइट था। और इसमें जो नाम उभर के आया है, एक राजू बर्मन का एक ग्रुप और दूसरा हरिपत दास बोल के, जो इनमें से एक मेन इंजर्ड हुए हैं। तो ये पुलिस का कहना है कि ये निगोसिएशन ग्रुप्स थे और बहुत पहले से ये चलता आ रहा था त्रिपुरा के, पर्टिकुलरली इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सरकारी ऑफिस है जहाँ पे ठेकेदारी का काम निकलते हैं। एक तो है CPWD, सेंट्रल PWD ऑफिस जो है उसका, और दूसरे कुछ
ऑफिसेज भी है एयरपोर्ट का एरिया का जो काम है, ये सब मिला के इस एरिया में पहले से ही ये चला आ रहा था और पुलिस को ये सक्सेस मिला है। और आज दोनों जो पकड़े गए प्रभाकर घोष और संतोष दास, इन दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया 5 दिन का रिमांड डिमांड करके पुलिस ने, ताकि इनको अगर पुलिस रिमांड में कोर्ट ऑर्डर करते हैं तो इनसे बाकी जो ग्रुप में थे, हालांकि एफआईआर में और 3 नाम है, राजू बर्मन के साथ संदीप कर और कल्याण दास बोल के और 3 आरोपी का नाम है, और पुलिस इनको भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि 2 अरेस्ट और 2 व्हीकल, कुछ कारतूस और जो गोली 4 फायरिंग हुआ था इससे पता चलता है, क्योंकि 2 लगा नहीं था, वो उसी एरिया स्पॉट से वो पुलिस को मिला है। तो ये फिलहाल जो अभी तक केस है, तो कोर्ट ऑर्डर के बाद पता चलेगा, क्योंकि पुलिस भी बाकी 3 को ढूंढ रहे हैं और पुलिस का कहना है अगर वो मिल जाए तो इस ग्रुप सारे को एक तरह से इन सब जो निगोशिएशन का जो मेन झमेला होता है उसको थोड़े मतलब कम कर सकेंगे, पुलिस का ये दावा है। और सीएम ने भी ये दावा किया है, पहले से ये होता आ रहा है पर अभी कम हुआ है, और सीएम ने क्लियर कट बोला है फ्री हैंड है पुलिस को, ताकि किसी तरह के क्राइम यहाँ पे ना हो पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिनाकी इस तमाम जानकारी के लिए।